एक लड़की का रातों रात मर्डर हो जाता है, उत्तराखंड का हूं कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि उस बेचारे बाप को तो पता भी नहीं कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ। उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा होती है वो दो। तो आप सभी जितने भी सारे यूट्यूबर हैं, एक दिन बस पैसे कमाने के बारे में मत सोचो। तो जी, आप सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपका एक उत्तराखंड का एक छोटा सा वासी होने के नाते, उत्तराखंड का एक छोटा सा ब्लॉगर होने के नाते, उत्तराखंड का एक छोटा सा यूट्यूबर होने के नाते, आज ना ये जो ब्लॉग आने वाला है, ना ही ये एक ब्लॉग होगा, ना ही इसमें कोई ट्रैवल होगा, और ना ही इसमें कोई ऐसा मसाला चटपटा या कहीं का कोई आपका हिस्ट्री या किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ भैया उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में भाई चल क्या रहा है। क्योंकि भैया कभी कभी जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, पूरे देश में ट्रैवल करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करता हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं देवभूमि से हूँ, तो मतलब अपने को गर्व सा महसूस होता है। लेकिन आज कहानी कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है भाई ना, कि उत्तराखंड कहूँ कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कुछ ऐसा चल रहा है इस टाइम पर। बात करते हैं अंकिता भंडारी के बारे में। अभी अंकिता भंडारी एक लड़की, एक 19 साल की एक छोटी सी लड़की, जिसका मर्डर कर दिया, जिसका कत्ल कर दिया गया, ये सारे सूत्रों के अनुसार जितनी भी कहते हैं न्यूज़ में देख रहा हूँ ना, अभी मैं हर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। मैं कल दो दिन से भैया मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, मैं दिल्ली में था और मैं सोच रहा था कि मैं कब अपने आऊं और कब इस मुद्दे के ऊपर बैठ के सब लोगों से बात करूं कि भाई किसी ने अपनी बच्ची खो दी है, किसी ने अपनी बेटी खो दी है, किसी ने अपनी बहन खो दी है, किसी ने अपने परिवार का सदस्य खो दिया है। और भाई हमारे देश में अभी भी पार्टी पॉलिटिक्स, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो पैसे वाला, ये सब चल रहा है यार। हम लोग मतलब कब समझेंगे, जब हमारे घर में खुद होगा तब। मतलब हम किसका वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी। देखो उत्तराखंड में इतने सारे ब्लॉगर हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, इतने सारे मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जो डेली डेली ब्लॉग बनाते हैं, रील बनाते हैं, ट्रैवल दिखाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, रोज गानों में नाच करते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन आज भैया बात है उत्तराखंड की एक छोटी सी लड़की के बारे में, जो कितने एक हफ्ता पहले लापता हो गई थी। तो आप सभी जितने भी सारे यूट्यूबर हैं, जितने भी सारे ब्लॉगर हैं, जितने भी सारे ट्रैवल ब्लॉगर हैं, जितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, जितने सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, भैया एक दिन बस पैसे कमाने के बारे में मत सोचो। एक दिन बस पैसे कमाने के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये जो अंकिता का जो आज कत्ल हुआ है ना, ये जो अंकिता का जो आज मर्डर हुआ है ना, जिसके घर वाले आज तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए, मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए। लोग कह रहे हैं कि इतना मुआवजा दे देंगे, सरकार कह रही है इतना मुआवजा दे देंगे। मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग मैटर है। क्या आप अपने किसी घर के सदस्य की मौत के बदले पैसा लेना चाहोगे? ये तो एक अलग मैटर है। इसके पीछे जो वजह है, ये जिनकी वजह से उस लड़की ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया है, पता नहीं क्या क्या सपने होंगे एक 19 साल की लड़की के। क्या बहुत सारे सपने देखे होंगे, पर उसे पता भी नहीं होगा बेचारी को कि 19 साल के बाद वो कभी 20 साल की नहीं होगी। ऐसा कर देंगे उसके साथ लोग। भाई मेरे ना कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए, रोहित पहाड़ी आपके पहाड़ में ऐसा हो रहा है, मतलब बाहर के लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे उत्तराखंड में, तुम तो जय देवभूमि जय उत्तराखंड करते थे, भाई तुम्हारे उत्तराखंड में क्या चल रहा है। एक लड़की का रातों रात मर्डर हो जाता है, चार दिन तक मामला गुमसुदगी में रहता है, एक्शन लेते हैं, पता चलता है तो बुलडोजर से घर को तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया? बहुत सारे न्यूज़ चैनल आज आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ भैया जितने भी मेरे भाई बहन, जितने ब्लॉगर हैं, जितने इंस्टाग्राम वाले हैं, अगर एक बार ना आप और हम सब मिलके एक हो गए, मैं अभी बात करूँ ना तो हमारे उत्तराखंड में कम से कम 1000 से ऊपर ब्लॉगर होंगे, जिसमें से 100 से 500 से ऊपर ऐसे ब्लॉगर होंगे जो 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर वाले, बहुत सारे हमारे इंस्टाग्राम वाले होंगे जिनके फॉलोवर आपके मिलियन में हैं, लाखों में हैं। भाई हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जब हमारे घर में होगा तभी हल्ला मचाएंगे हम लोग, जब हमारे घर में किसी की डेथ होगी तभी हल्ला मचाएंगे हम, जब हमारे घर के बाहर किसी की लाश पड़ी होगी हम तभी एक वीडियो बनाएंगे क्या? मैं पिछले आधे घंटे से अंकिता के बारे में पढ़े जा रहा हूँ। ये बहुत सारे जो जी न्यूज़ के लेखक हैं, मतलब अंकिता की आखिरी वीडियो क्लिप सामने आई रोते रोते, उसका वीडियो सुना मैंने, मतलब अपनी मौत से पहले कैसे गिड़गिड़ा के रो रही थी वो। भाई क्या हम लोगों ने नहीं सुना है क्या? तो अभी भी हम पार्टी पार्टी कर रहे हैं। अरे कोई पैसे वाला होगा, बहुत पैसे वाला होगा, क्या फर्क पड़ता है, किसी की जिंदगी थोड़ी ले लोगे यार। क्योंकि भाई ऐसा है ना, अब मैं उनके लिए क्या बोलूं ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं बस आप लोगों से बोल रहा हूं, जितने भी लोग अभी इस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि धामी जी तक भी पहुंचे, मोदी जी तक भी पहुंचे, हर किसी के घर घर में पहुंचे, ताकि घर घर से लोग जागरूक हों इन सब चीज़ों को लेके। क्योंकि आज अगर हम चुप रह गए ना भाई,
कल को हमारे हमारी बहनों के साथ भी ऐसे होगा, कल को हमारी बच्चियों के साथ भी ऐसे होगा। जब हमारे साथ होगा हम तब चिल्लाएंगे, हम तब कैंडल मार्च करेंगे। तो भाई जितने भी ब्लॉगर, जितने भी यूट्यूबर है उत्तराखंड में, नहीं भी तो कम से कम बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको पूरे देश विदेश से प्यार मिल रहा है, तो भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हो यार? किसका डर है भैया? आज सोशल मीडिया की पावर इतनी ज्यादा है, आप अगर एक बार सब लोग मिलके हम सब एक साथ खड़े हो जाए ना, एक दिन में 1000 वीडियो अगर हम बनाए उनके खिलाफ, क्यों नहीं समझते हैं सारे लोग यार? कहाँ छुपे पड़े हैं सारे ब्लॉगर? पता नहीं उनको भैया डेली, भैया मैंने आज ये खा लिया, मैंने आज ये पी लिया, आज मैं यहाँ चले गया, आज मैंने ये खरीद लिया, आज मैं वो खरीद रहा हूँ। मैंने आप भैया जिनके सामने हाथ जोड़ के आप लोगों ने और हम लोगों ने, मैं भी एक ब्लॉगर हूं, मैं अपने को भी इसमें शामिल करता हूं, मैं 2 दिन लेट हो गया हूं वीडियो बनाने में, उसके लिए माफी चाहता हूं। हम लोगों ने, आप लोगों ने भी भैया हाथ जोड़ जोड़ के इन्हीं लोगों से, पता नहीं और कितनी सारी अंकिताओं के साथ ये आगे होएगा, कितनी अंकिताओं के साथ हुआ होगा। वो जो अंकिता बेचारी आज चली गई ना इस दुनिया से, वो भी शायद मेरे ब्लॉग देखती होगी, शायद आपके ब्लॉग देखती होगी। तो इतना तो आप कर सकते हो ना यार, एक छोटी बहन के नाते। लेकिन अब वो नहीं रही, वो तो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, उसने वो सब कुछ किया होगा बेचारी ने। तो आज जिम्मेदारी हमारी है। तो भाई जितनी भी, क्या कहूँ यार मैं, ये अभी तक तो ना भौकाल आ जाना चाहिए था पूरे उत्तराखंड से। एक एक बंदे को ना यूट्यूबर बन जाना चाहिए था इस चीज़ के लिए। जो नहीं भी है ना यूट्यूबर, जो इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं, भैया रोज क्या कहते हैं, छैया छैया गानों में नाचना ही जरूरी नहीं है। एक दिन पैसा नहीं कमाने के बारे में सोचोगे ना, एक रील सिर्फ इतना बताता हूँ कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और मैं जस्टिस फॉर अंकिता, मैं अंकिता के इंसाफ की कामना करती हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार अंकिता को जल्दी जल्दी इंसाफ मिले, हम सब इस मुहिम में साथ में हैं। और जितने भी लोग रील देख रहे हैं फटाफट से रील बनाएं और क्या कहते हैं आपको, कहते हैं गवर्नमेंट को टैग करें, हर जगह टैग करें, हैशटैग करें, क्या इतना नहीं कर सकते हम लोग? और आज जो ये वीडियो है ना, ये पूरा अनकट वीडियो होने वाला है। वैसे तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि पता है आपकी भी कोई बच्ची होगी, आपकी भी कोई बहन होगी, आपकी भी कोई माता होगी, आपकी भी कोई बीवी होगी। जिस दिन उसके साथ ये होगा ना, तब भी लोग अगर पॉलिटिक्स देखेंगे, पैसा देखेंगे ना, तो आप बस चिल्लाते रह जाएंगे। क्योंकि आज अंकिता के माँ बाप के पास इतनी पहुँच नहीं है कि वो जाके हर जगह जाके अपनी बात रख सकें। तो हमको अंकिता का भाई बनना पड़ेगा भाई, हमको अंकिता का घरवाला बनना पड़ेगा भाई। जिन लोगों ने भी ना अंकिता के साथ ये काम किया है, पता नहीं यार किसी की जिंद, आपको बुरा लगा है तो आप लड़ो झगड़ो केस करो सब कुछ करो, किसी की जिंदगी लेने का अधिकार किसने दिया यार तुमको? मैं सुबह से शाम तक न्यूज देख रहा हूं, हर किसी न्यूज में क्या आ रहा है कि अंकिता की लास्ट कॉल में बात हुई रोते रोते, मेरा सामान नीचे ले जाओ, किसी उसमें बात हो रही कि उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था कि उन्होंने अंकिता को धक्का मारा, कोई कह रहा है कि भैया पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ है, कोई कह रहा है दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, कोई कह रहा है भैया घरों में आग लगा दी गई है, पहले बुलडोजर चला दिया गया है, यूपी वाला जो एक्शन यूपी में योगी सरकार करती थी वही एक्शन उत्तराखंड में हो गया, उसकी वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा उस होटल के अंदर कौन थे वो VIP गेस्ट जो वहाँ आने वाले थे, कौन थे वो लोग, वहाँ CCTV कैमरे होंगे, वहाँ होटल में बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्या होटल तोड़ना एक सही कदम था? ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से भी है, क्या होटल तो तोड़ना सही कदम था? क्या होटल को पूरा बोलते हैं कि जन आक्रोश में से जला दिया गया, आपका न्यूज के आधार पर पता चल रहा है कि जन आक्रोश में उसे जला दिया गया, क्या उसे जलाना सही था? अभी एक वीडियो सामने आया था पुलकित आर्य के पिताजी का, एक वीडियो आया था कि मेरा बेटा तो भैया बड़ा इनोसेंट है, वो तो अपना बिजनेस करता है, ये वो वीडियो है। पुलकित आर्य मेरा बेटा था लेकिन काफी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं। नहीं भाई साहब देखो ये तो कुछ भी कहेंगे लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। सीधा साधा बालक है, अपने काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। ना भैया अगर ये इनोसेंटनेस है ना तो ऐसे इनोसेंट लोग अगर इस दुनिया में ना ही रहे तो अच्छा है भैया। अपने बेटे के ऊपर छोटा सा एक्शन देख के, अपने बेटे के खिलाफ छोटा सा एक्शन क्या देखा आपने? आप पूरी मीडिया में लगे मेरा बेटा तो इनोसेंट है, बड़ा सीधा साधा है, मेरा ये है मेरा वो है। जिसने अपनी बेटी खोई है उसका क्या भैया, उसका क्या? उसको तो पता भी नहीं, उस बेचारे बाप को तो पता भी नहीं कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ। अगर आज चुप रह गए ना तो भाई कल को जब हमारे ऊपर बीतेगी ना तो हमारे पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। आज अगर हम उसके मामी और पापा के साथ खड़े नहीं हुए, आज हम अंकिता के लिए अगर एक नहीं हुए ना सारे यूट्यूबर सारे इंस्टाग्राम वाले, तो कल को जब हमारे ऊपर बीतेगी ना तो हमारे पीछे भी खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा, हम चिल्लाते रहेंगे बस अकेले अकेले। तो यार मेरी बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी सारे यूट्यूबर हो, जितने भी सारे लोग हो भाई, हाथ सिर्फ हाथ जोड़ के बस इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई
इस समय ना भाई अंकिता के परिवार का साथ दे दो। इस समय भैया बिना किसी डर के, बिना किसी पॉलिटिक्स बाजी के डर से ना बिल्कुल ओपनली अपनी आवाज उठाओ कि भैया अंकिता के साथ जिसने भी गलत किया है ना, जो भी वो लोग हैं, तीन लोग जिनके खिलाफ अभी कहते हैं चार सीट चल रही, जो अरेस्ट हो गए, उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा होती है वो दो। मैं ये नहीं कहता कि फांसी दो, ये दो, मुझे पता नहीं कि भाई कौन से लॉ के हिसाब से कौन सी सजा दी जाती है, जितनी भी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा हो दो, क्योंकि कल को कोई और बंदा किसी और अंकिता के ऊपर अंगली आंख भी अगर दिखाएगा ना, तो उसे पहले अपने सामने भैया वो सजा दिखाई देनी चाहिए कि अगर ये मैंने करा ना तो मेरे साथ भी ये होगा और कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तो यार आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम वाले, आप उत्तराखंड से, क्या उत्तराखंड से बाहर से भी हैं, क्या अंकिता आपकी बहन नहीं होगी, क्या हम लोग बाहर वालों की वीडियो नहीं देखते हैं, क्या क्या हम उत्तराखंड के तो हम मुंबई वाले की वीडियो नहीं देखते हैं क्या, तो आप जहां से भी वीडियो देख रहे हो ना प्लीज एक छोटी सी आवाज उठा दो यार, क्या पता आपकी एक आवाज उठाने से ना, और अपने उस वीडियो में प्लीज इतना जरूर कहना कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसे शेयर करो और अपनी तरफ से भी एक छोटी सी वीडियो बनाओ यार उस बेचारी के लिए, क्योंकि हमने ना पता नहीं ऐसी कितनी अंकिताओं के सामने उनके मोबाइल फोन में आके ना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी होगी प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। आज वो बेचारी वहां से अगर बैठी होगी ना, कहीं होगी, अगर ऊपर से देख रही होगी ना कि मेरे लिए भी एक यूट्यूबर बोल रहा है, तो वह आप क्यों नहीं बोल सकते। देखो अंकिता के साथ तो जो होना था वो हो गया अब, लेकिन उनके साथ वो होना चाहिए, इतना बुरा सलूक होना चाहिए ना कि आगे जाके ना कोई ऐसा सोचे भी ना, चाहे वो कितनी बड़ी पहुंच हो उसकी, उसके पैर कांप जाने चाहिए कि अगर मैंने ये गलती करी है ना तो मैं अब बचने वाला नहीं हूं। धामी जी मेरी भी आपसे बस सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है और छोटा सा क्वेश्चन है कि अरे आपको पता है उन लोगों ने धक्का दिया है, पानी में गिराया है, अब हम कौन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि चाकू चलाया है, गोली चलाई है, कौन से नियम से उनको मारा है, क्या हुआ है, किसी की जान चली गई है। सरकार सिर्फ मुआवजा देने के लिए नहीं बनी है धामी जी, सरकार इसलिए भी बनी है कि किसी ने गलत किया है तो उसको बिल्कुल टिट फॉर टैट वही सजा देनी चाहिए जो सजा उसने किसी और को दी है। मेरी आपसे भी हाथ जोड़कर विनती है, बस इतना है, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जितना प्यार आपने रोहित पहाड़ी को आपने दिया है ना, बस एक बार इस रोहित पहाड़ी की तरफ से ना अंकिता के सपोर्ट में सब लोग खड़े हो जाओ, सारे यूट्यूबर खड़े हो जाओ, आपके एक एक वीडियो से ना उस बेचारी को बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। तो मैं आप सभी लोगों से बस यही कामना करता हूँ कि जस्टिस फॉर अंकिता हैशटैग पे आप वीडियो अपलोड करो और मुझे भी मेंशन करो, मुझे स्टोरी मेंशन करो इंस्टाग्राम पे, मैं उसको स्टोरी बैक करूंगा और जितने लोगों तक फैलाना होगा मैं फैलाऊंगा, आप टैग करो, मेंशन करो, अब भाई कुछ तो करो, इस समय चुप रहने का समय नहीं है, अब मुझे आपका इंतजार रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। कितने जितने भी लोग अपने रोहित पहाड़ी को प्यार करते हैं ना, इस वीडियो को ना प्लीज अंकिता के सपोर्ट के लिए ना एक सेकंड निकाल के इसको हर उस जगह शेयर कर दो जहां इसकी जरूरत है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप समझ पाए होंगे, एक कदम अंकिता के लिए आप भी बढ़ाएंगे।